शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह संघर्ष के उस रास्ते का सबसे तेजस्वी चेहरा थे। हंसते हुए फांसी के फंदे चूम लिए, तिरंगे की डोरी खींचने की उनकी चाहत नहीं थी। मंजिल वही थी, रास्ता अलग था। आजादी के संघर्ष की ये दूसरी धरा थी। उनका मानना था कि प्रार्थनाओं, उपवास, सत्याग्रह जैसे अहिंसक रास्तों से जुल्मी अंग्रेजों की दास्ता से देश की मुक्ति मुमकिन नहीं है। उन्होंने संघर्ष के क्रांतिकारी रास्ते में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हंसते हुए फांसी के फंदे चूम लिए, तिरंगे की डोरी खींचने की उनकी चाहत नहीं थी। उनका सपना तो आकाश चूमता, शान से लहराता, इतराता तिरंगा देखना था। इसी के लिए जिए, इसी के लिए बलिदान हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आज बात एक ऐसे क्रांतिकारी की होगी जिसने खुशी खुशी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह संघर्ष के उस रास्ते का सबसे तेजस्वी चेहरा थे। सिर्फ साहस, शौर्य, समर्पण नहीं, अद्भुत प्रतिभाशाली थे। सिर्फ 23.5 साल की उम्र मिली, इसमें 8 साल का छोटा सा राजनीतिक सामाजिक जीवन और इतने ही वक्त में उनकी वैचारिक बौद्धिक सक्रियता गजब की रही। पढ़ने का जुनून ऐसा कि फांसी के लिए जाते समय तक पढ़ते रहे। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू में खूब लिखा। 8 अप्रैल 1929, ये तारीख आज़ादी के संघर्ष के क्रांतिकारी रास्ते को समझने के लिए हमेशा याद रखनी जरूरी है। इसी दिन सरदार भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेलिया का कथन दोहराया था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे विस्फोट की जरूरत होती है। इस विस्फोट का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था। हल्के बम खाली बेंचों की ओर फेंके गए। वहां फेंके गए पर्चों में इसका मकसद भी बताया गया। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पास बाहर निकल जाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। सांस वध के बाद सरदार भगत सिंह की पुलिस को तलाश थी, लेकिन वो उनकी पकड़ से बहुत दूर थे। चंद्रशेखर आजाद असेंबली बम एक्शन में सरदार की हिस्सेदारी के पक्ष में नहीं थे। उन्हें पता था कि सरदार भगत सिंह के एक बार जेल में दाखिले के बाद उनकी जिंदा वापसी मुमकिन नहीं होगी, लेकिन सरदार भगत सिंह सर्वोच्च बलिदान के लिए उद्यत थे। आजाद को झुकना पड़ा। इस एक्शन के जरिए सरदार भगत सिंह ने देश दुनिया को क्रांतिकारियों के संघर्ष और विचारधारा की जानकारी देने के लिए असेंबली मंच का प्रभावशाली इस्तेमाल किया। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे का सामना करते भगत सिंह ने अदालती कार्रवाई को भी अपने बचाव में नहीं बल्कि अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध लोगों को जगाने के लिए पलटवार का हथियार बना दिया। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि क्रांतिकारी अकारण हत्या, अशांति, अराजकता में यकीन नहीं करते। 6 जून 1929 को सेशन कोर्ट में अपने बयान में उन्होंने कहा, मानवता से प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हम ना तो बर्बरता उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं जैसा सोशलिस्ट दीवान चमनलाल ने कहा है, और ना ही पागल जैसा लाहौर के ट्रिब्यूनल सहित कुछ अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हमें ढोंग और पाखंड से नफरत है। हमने ये काम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या विद्वेष भावना से नहीं किया। हमारा उद्देश्य केवल उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करना था जिसके हर काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अन्याय करने की असीम क्षमता प्रकट होती है। आक्रामक उद्देश्य से जब बल प्रयोग होता है तो उसे हिंसा कहते हैं, लेकिन जब यह हिंसा वैध आदर्श के लिए होती है तो उसका नैतिक औचित्य होता है। किसी हालत में भी बल प्रयोग ना किए जाने का विचार अव्यवहारिक है। हमारा आंदोलन गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रजा खां, वॉशिंगटन, गैरिवाल्डी, लफोयत और लेनिन के आदर्शों पर केंद्रित है। चूंकि भारत की विदेशी सरकार और हमारे राष्ट्रीय नेतागण दोनों ही इस आंदोलन की ओर से उदासीन हैं, कान बंद किए हुए हैं, इसलिए हमने अपना कर्तव्य समझा कि ऐसी चेतावनी दी जाए जिसकी अनदेखी ना की जा सके। सरदार भगत सिंह खूब पढ़ते थे। उनके साथी शिव वर्मा ने उनके अपनी मुलाकातों का जिक्र करते हुए लिखा है, मुझे एक भी अवसर नहीं याद है
जब उनके हाथ में कोई पुस्तक ना रही हो। उनके प्रिय अध्यापक छबिल दास ने भगत सिंह की प्रिय पुस्तकों में क्राई फॉर जस्टिस, हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रशिया और माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, जिसका भगत सिंह ने हिंदी में अनुवाद भी किया, उसका जिक्र किया। द्वारिका दास लाइब्रेरी के इंचार्ज राजा राम शास्त्री के अनुसार, भगत सिंह ने वीर सावरकर की जब्त पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्र समर को छपवा कर बंटवाया। मेजनी और गैरिबाल्डी की जीवनियां उन्हें बहुत प्रिय थी। अराजकतावाद और अन्य निबंध वो पुस्तक थी, जिसके एक अध्याय हिंसा का मनोविज्ञान में फ्रेंच क्रांतिकारी वेलिया का 1883 का वो बयान छपा था, जो उसने फ्रांसीसी संसद में बम का धमाका करते हुए दिया था। बहरों को सुनाने के लिए बड़े विस्फोट की जरूरत होती है। भगत सिंह ने यही कथन 46 साल बाद 1929 में भारत के सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर दोहराया था। कम वक्त में भगत सिंह ने देश दुनिया की जो तमाम पुस्तकें पढ़ी, उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। फांसी के लिए ले जाए जाते समय भी वो पढ़ रहे थे। क्या सरदार भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था? इसके लिए लोगों को महात्मा गांधी से बड़ी शिकायत रही, लेकिन भगत सिंह को चाहने मानने वाले क्या चाहते थे? ये इससे भी बड़ा सवाल है कि अपनी जिंदगी को लेकर वो खुद क्या सोचते या चाहते थे। सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने के बाद उन्होंने भगत भागने की जगह गिरफ्तारी दी, मुकदमे में बचाव की जगह सांस की हत्या की जिम्मेदारी ली और कारण बताया। अंजाम उन्हें पता था। ऐसे भगत सिंह फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद क्या अंग्रेजों की किसी मेहरबानी के कायल होते? बलिदान के लिए खुशी खुशी तैयार भगत सिंह ने पिता सरदार किशन सिंह को प्रिवी काउंसिल में अपील से रोका था। माँ विद्यावती ने उनकी गैर जानकारी में वायसराय के यहाँ फांसी रद्द करने की दरख्वास्त दी। सजा टालने की कोशिशों से सरदार भगत सिंह बेचैन थे। मुकदमे के शुरुआती दौर में 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने पिता को लिखा, लगभग एक महीने में सारा नाटक समाप्त हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशेष ट्रिब्यूनल की 5 मई 1930 को कार्रवाई शुरू होने के मौके पर भगत सिंह सहित 6 साथियों ने लिखा पढ़ी में अपनी बात कही, हम इस मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से भाग लेना नहीं चाहते। अंग्रेज न्यायालय जो शोषण के पुर्जे हैं न्याय नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि न्यायालय सिवाय ढकोसले के और कुछ नहीं है। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो स्वयं आज़ादी की लड़ाई में जेल जाते रहते, उन्होंने ट्रिब्यूनल में अर्जी पेश करके बचाव के अवसर की मांग की। भगत सिंह ने 4 अक्टूबर 1930 को लिखा, मुझे जानकर हैरानी हुई है कि आपने मेरे बचाव के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल में अर्जी भेजी है। ये खबर इतनी यातनामय है कि मैं उसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। पिताजी, मैं बहुत दुख अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस कार्य की निंदा करते हुए मैं कभी सभ्यता की सीमाएं लांघ ना जाऊँ और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त ना हो जाएं। लेकिन स्पष्ट शब्दों में मैं अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता। आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि ये कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। मौत के मुहाने खड़े भगत सिंह क्या चाहते थे, ये बताता है उनका 20 मार्च 1931 का पंजाब के गवर्नर को लिखा खत। उसका यह अंश, जब तुमने हमें मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया है तो तुम निश्चय ही ऐसा करोगे। तुम्हारे हाथ में शक्ति है और संसार में शक्ति की सबसे बड़ा औचित्य है। हम जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। हमारा पूरा अभियोग इसका प्रमाण है। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे न्यायालय के कथानुसार हमने एक युद्ध का संचालन किया, इसलिए हम युद्धबंदी हैं और हम कहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार हो, अर्थात हम कहते हैं कि हमें फांसी चढ़ाने की जगह गोली मार दी जाए। उसी जेल में बंद कांग्रेस नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह की कोठरी के सामने गुजरते हुए उनसे लाहौर षड्यंत्र केस में बचाव न करने का कारण पूछा था। भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना पड़ता है, उनके बलिदान से उनके मकसद को मंजूरी मिलती है, ना कि अदालत में अपील से। लाहौर सेंट्रल जेल की 14 नंबर बारक में विजय कुमार सिन्हा सहित कुछ और क्रांतिकारी साथी बंद थे। उसी दोपहर उन सब ने भगत सिंह को एक लिखित संदेश भेजा, सरदार आप एक सच्चे क्रांतिकारी साथी के तौर पर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको बचा लिया जाए। इस आखिरी वक्त में भी शायद कुछ हो सकता है। भगत सिंह ने उसका लिखकर जवाब भी भेजा था,
जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर निर्भर करता है। मेरा नाम भारतीय क्रांतिकारियों का मध्य बिंदु बन चुका है और दल के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएगी और क्रांति का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए, लेकिन मेरे दिलराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में भारतीय माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू करेंगी और देश के लिए बलिदान देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी राक्षसी ताकतों के वश की बात नहीं रहेगी। सरदार भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु के अनुसार फांसी वाले दिन परिवार के लोग अंतिम मुलाकात के लिए आए, परंतु जेल अधिकारियों ने कहा कि केवल माता पिता भाई बहन मिल सकते हैं। भगत सिंह के माता पिता ये कैसे स्वीकार करते कि दादा दादी और चाची अंतिम बार भगत सिंह को ना देखें। जब जेल अधिकारी सबको मिलने को तैयार नहीं हुआ तो माता पिता भी बिना मिले वापस हो गए। सिंधु ने परिवार से 3 मार्च 1931 की भगत सिंह की आखिरी मुलाकात को शब्दों में पिरोया है। पूरा परिवार उदास था। भगत सिंह हंसते हुए अपना वजन बढ़ने की जानकारी दे रहे थे। सबसे अलग अलग बात की, सबको धीरज दिया। आखिरी बारी माँ की थी। पास पर आया, हंसते हुए कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलवीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। 23 मार्च 1931 को फांसी के सिर्फ 2 घंटे पहले उनकी आखिरी इच्छा जानने के लिए वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने में कामयाब हो गए थे। मेहता ने लिखा, मैं जानता था कि वो भी जानते थे कि मृत्यु का क्षण निकट आ रहा है। इसके बावजूद मैंने उन्हें प्रसन्न